ऑपरेशन लॉन्च किया और सभी के समन्वय के साथ ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया और इसमें अदम्य साहस और जो अदम्य साहस का परिचय देते हुए हमारा एक साथी सीआरपीएफ का इसमें एक शहीद हुआ है और एक शहादत हुई है इस एनकाउंटर में। उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं और एक आतंकवादी और मारा गया है इलाके में और उससे जो ये ऑपरेशन था ये काफ़ी समय तक चला तो इस इलाके में हमने अभी और भी आतंकवादियों की छिपे होने की सूचना मिल सकती है तो अभी ऑपरेशन फॉर्मली कॉल ऑफ नहीं किया है। सर क्या कुछ रिकवरीज हुई, क्या M4 मैगजीन भी मिली है, क्या कुछ रिकवरीज है सर? इनसे वेपन्स हैं, IEDs हैं, ग्रेनेड्स हैं और बाकी जो बाकी खाने पीने का सामान है और बाकी मुख्तलिफ चीज़ें कुछ पाकिस्तान मेड भी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि रखी हैं। ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि जिस इस इलाके में आया है और ज्यादा आतंकवादियों के छिपे होने की भी संभावना। सर क्या ये रास्ता भटक गए थे क्योंकि ज्यादा और थे, क्या ये उनसे भटक गए थे, बिछड़ गए थे, क्या मतलब? ये अभी डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन की है। छत्रकला की क्या, छत्रकला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी CRPF पुलिस सभी का एक ज्वाइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था तो उस ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया, अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, वहाँ पर इंजरीज हुई है लेकिन वो आउट ऑफ रेंज। तो यहाँ क्या समझा जाए, जो दो आतंकी थे उनको मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। थैंक यू सर।